वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी मैं जा ही रहा था, धूप देखो धूप कितनी तगड़ी है और मुझे प्यास लगी थी यार, रोड भी जुड़ा रहे थे। तो मैं यह आप देख सकते हो मेरे पीछे यह भारत जूस वाला है, उसके पास मैं रुका हूँ जूस पीने के लिए और मैंने यह जूस ले लिया और पी रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया जूस बनाते तो जूस वाले भैया यहाँ पर देखो यह अपने गन्ने को किस तरह प्यार से, बिल्कुल प्यार से यह उससे रस निकाल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि इनके गन्ने के जूस में इतनी मिठास कहाँ से आती है। देखो यह क्या क्या डाल रखता हूँ, यह क्या क्या डाल रहे हैं, नींबू डालता हूँ, पुदीना डालता हूँ, अदरक डालता हूँ, नींबू पुदीना अदरक अदरक भी डालते हो और क्या डालते हो, यह कैसा पाउडर है, क्या बात है, यह पाउडर कैसा है, पाउडर काला नमक है। अच्छा यह भाई काला नमक है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से जूस जाते हैं। बिल्कुल एक बार अगर आपने पी लिया ना तो आप कम से कम जब इस रास्ते से गुजरोगे तब जरूर पियोगे। एक बार और मैं इस आईडी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर यह जूस है। यह अंडर पास है सेक्टर 17 वाला और इस तरफ से आपका सेक्टर 29 से मेट्रो से जाते सकते हो सीधा। आप 30 के तरफ जाने के लिए भी इधर भी रास्ता है, यह साइड से भी जा सकते हो और सीधा आपको यही यह देख लो, नाम भी देख लो, भारत जूस कॉर्नर नाम है। गन्ने का जूस है और गर्मी का मौसम भी चल रहा है तो अगर आप इधर से गुजर रहे हो तो एक शानदार जूस पीकर जाओ जिससे आपकी सेहत भी सही रहेगी। और मैं कहता हूँ कि लोग आजकल जूस में ज़्यादा कुछ बर्फ़ डाल देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अच्छा जूस बनाते हैं मेरे हिसाब से। एक बार आप ज़रूर पियो जूस और जूस पीने के बाद इनको ज़रा एक बार बताना अगर कुछ कमी होगा ना, या अगर आपको लग रहा है जूस में कुछ कम बेसी है अच्छा नहीं बना तो भाई साहब आपको दोबारा जूस बना के और बहुत बेहतरीन तरीके से पिलाएंगे। सही बात है कि देखो यह आपको पिलाएंगे बहुत बढ़िया, आपको संतुष्टि भर जूस पिलाएंगे। इसलिए इनका अच्छा जरूर मिलेगा और इन्होंने काफ़ी सेटअप भी बढ़िया कर रखा है, यह मैं आपके घर से दिखा रहा हूँ। सेटअप बहुत बढ़िया कर रखा है इन्होंने 30-30-40। आपके जूस के प्राइस क्या है? 30-30-40-50 30-30-40-50। तो आप ये छोटे बड़े जो भी गिलास में आपको पसंद आ रहा हो वो जूस पी सकते हो, आपको जूस बिल्कुल ही अच्छा मतलब लगेगा। और ये भाई साहब जूस पी रहे थे, इनसे ये बात करते हैं तो आपको मतलब भाई साहब एक बात बताइए, आपको जूस कैसा लगा? जूस सही है, मैं तो नींबू काट रहा हूँ। देखिए आप इन्होंने देखिए यह जूस पीने आए थे, अब क्या कर रहे हैं, नींबू काट रहे हैं, मतलब अब इन्होंने इनको इतना पसंद आ गया यह काम पर लग गए, यही जूस वाले भाई साहब के बाद ये काम पर ही लग गए, इतना जूस इनको पसंद आया। तो इनके कहने का मतलब है जूस के धंधे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, रोज के 15,000 की बिक्री तो हो जाती है। अब देखिए ये बता रहे 15,000 के आसपास, आप बताइए फायदा है जूस में? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, मेहनत करता हूँ तो फायदा है। हाँ भाई एकदम सही है, अगर आप मेहनत करते हो तो उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलता ही है। तो आपकी और भी रेडिया मतलब यह है कि एक ही है और लगे और वो कहाँ लगती है? एक स्टार मॉल की लगती है, एक स्टार मॉल या आपका 30 में पड़ेगा स्टार मॉल और एक और मतलब उसके थोड़ा सा आगे होगा तो वहाँ पर मतलब इनकी दो और भी है। तो इन्होंने उसी जूस के बिजनेस से अपना एक कहते हैं कि जैसे आपने डोरी चाय वालों को देखा, एक चाय से उसमें कई सारे फ्रेंचाइजी वगैरह लोग खोल ही लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं। तो ये भी भाई साहब अपना यहाँ से किसी के मतलब इससे पहले एक रेडी लगाते थे उस पर इन्होंने काम किया था, आज इनके पास यह फुल मशीन है मतलब जूस बनाने वाली पूरी की पूरी मशीन है और इससे दो और इन्होंने कर लिया। तो इनसे पूछ लेते हैं आप बताइए, तो आपने इसी जूस से मशीन? हाँ इसी से, इसी से आपने लिया और घर परिवार में मतलब सब कुछ सही है? हाँ सब कुछ, मतलब इसी से आपका पूरा घंटा और भी बिजनेस करते हो आप? हाँ करते हो, इसके बाद में उसी का काम करते हैं। अच्छा दोनों काम तो आप मौसमी का भी जूस लेते हो? नहीं सीजन के बाद। अच्छा यह मतलब जैसे कि गर्मी का मौसम खत्म होगा तो यह क्या करते हैं मौसमी का भी काम करते हैं, मतलब मौसमी का जूस पिलाते हैं। तो मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि यह जूस का ही मतलब एकदम इनका बिजनेस जूस का ही है, चाहे वो मौसमी का हो चाहे वो गन्ने का हो। तो इस तरह इन्होंने बिजनेस अपना शुरू किया था और मुझे लगा कि
अगर कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है तो उससे आने वाले टाइम में आगे बढ़ सकता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। अगर मेहनत से इंसान करे, कि जैसे कि आजकल डोली भाई डोली चाय वाले का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने चाय के बिजनेस को इतना बढ़ावा दिया या अपने काम से इतना लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपने काम से वह इस लेवल तक पहुँचे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।